Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the MCQs of class 9 IT 402, and the unit is introduction to IT and ITS industry. Let us start with the first question. Question number 1 says ICT stands for. It means it is asking us the full form of ICT, information and communication technology, information and communication terminology, information and common technology, and information to communication technology. So ICT ke students hamari full form kya rehti hai, information and communication technology. Aisi technology jiski help se hum information aur communication ko transmit kar pate hain, that is ICT. The next question is ITES stands for information technology enabled services, information technology end services, information technology enabled server, और none of the above. So ITES की हमारी फुल फॉर्म रहती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि ऐसी सर्विसेज या ऐसे काम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहे हैं, दैट इज ITES. क्वेश्चन नंबर 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना और एक्सचेंज करना. इट्स ट्रू और फॉल्स? यस, ये ठीक चीज़ है. सो दैट इज वाई द आंसर विल बी ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर टेक्स द डेटा एज डैश, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज डैश. कंप्यूटर डेटा को किस फॉर्म में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और लास्ट में रिजल्ट की फॉर्म में हमें क्या देता है? आउटपुट, इनपुट, इनपुट आउटपुट, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. सो कंप्यूटर स्टूडेंट्स डेटा लेता है हमारा इनपुट की फॉर्म में, इनपुट के ऊपर वो काम करता है और रिजल्ट जो देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनपुट एंड आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डैश. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो बिल्कुल फ्रेश फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा, डेटा और नन ऑफ द अबव. सो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डेटा. जैसे 2 और 5 है और प्लस का साइन है, तो अभी इनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया तो वो हमारे क्या है? डेटा है. जब 2 प्लस 5 कर देंगे उससे हमें आंसर मिल जाएगा 7, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन हो गई. नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. जब डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटा, रॉ डेटा, इन्फॉर्मेशन और नन ऑफ द अबव. सेम वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, जब उसके ऊपर काम किया जाता है दैट रिजल्ट्स इनटू इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ आईटी इन बिजनेस. बेनिफिट्स मीन्स एडवांटेजेस. आईटी के बिजनेस में क्या एडवांटेजेस हैं? इट हेल्प्स, आईटी हेल्प्स इन रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स. इट प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स. बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. बिजनेस में आईटी की हेल्प से हम ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाते हैं और कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारी ठीक हैं. दैट इज़ व्हाई माय आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ITES इज ऑल्सो कॉल्ड डैश दैट कवर्स द एंटायर ऑपरेशंस विच एक्सप्लॉयट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ITES को और क्या कहा जाता है? जिसके अंदर उसके सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं, जिससे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं और सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, उसके काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है, उसे इम्प्रूव कर पाते हैं. द ऑप्शंस आर वेब इनेबल्ड सर्विसेज, रिमोट सर्विसेज, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. सो ITES इज ऑल्सो नोन एज वेब इनेबल्ड सर्विसेज, यानी कि जो आप कह सकते हो इंटरनेट की हेल्प से हो रही है. और ITES क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, वो भी हमारी किससे हो रही हैं? इंटरनेट की हेल्प से हो रही हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विस. ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बिजनेस को इनेबल करती है, उसे स्टार्ट कराने में हेल्प करती है ताकि सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? आईटी, आईसीटी, आईटीईएस और नन ऑफ द अबव. आईटी हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ITES स्टूडेंट्स हमारा हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. तो यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है, साथ में बिजनेस को इनेबल करने की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स आर आंसर विल बी ITES. ओके,
The next question is question number 10. BPO stands for, the full form of BPO is business process out, busy process outsourcing, business process office or business process outsourcing. तो स्टूडेंट्स बीपीओ की हमारी फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अब ये होता क्या है, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, फिनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर एंड सो मेनी अदर्स. तो कभी कभी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क होने की वजह से वो सारे काम को खुद ना हैंडल करके कुछ काम को किसी थर्ड पार्टी को दे देती है करने के लिए, जिसके बदले में वो कुछ उसे पे करती है. तो इस तरह से अपने किसी काम को बाहर की कंपनी को या किसी दूसरे आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट को देना, दैट इज नोन एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीपीएम स्टैंड्स फॉर, बीपीएम इज द अनदर टर्म, द फुल फॉर्म इज, द ऑप्शंस आर बिजनेस प्रोसेस मैनेजर, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोटोकॉल मैनेजमेंट और नन ऑफ द अबव. सो बीपीएम की हमारी फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. एक बिजनेस के जितने भी प्रोसेस होते हैं उन्हें मैनेज करने का जो काम होता है उसके लिए जनरल टर्म होती है हमारी बीपी. नेक्स्ट इज बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. तो बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री जहाँ पे थर्ड पार्टी को काम दिया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, वो इंडिया में बहुत अच्छे से काम कर रही है. क्यों काम कर रही है, इसके ऑप्शंस है कि बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं इंडिया में वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको एनकरेज कर रही है, दोनों चीज़ें या नन ऑफ द अबव. तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं एज कम्पेयर टू द बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री और नए नए स्टार्टअप्स भी आजकल आ रहे हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल. सो द आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. एमएनसी स्टैंड्स फॉर, एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपल नेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल क्रेडिट और नन ऑफ द अबव. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनके जो ब्रांचेज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में होती हैं. मल्टीनेशनल नेम से ही पता लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में जिनकी ब्रांचेज हैं वो आपकी क्या हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज. इंडिया में कोई एमएनसी है तो उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे, किसी दूसरी कंट्री में होंगे. सेम बेस पे हमारा 14th क्वेश्चन है, एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर्स डैश इंडिया, इंडिया में जो एमएनसी है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे, आउटसाइड, इनसाइड और नन ऑफ द अबव. ऑफ कोर्स इंडिया से बाहर होंगे क्योंकि वो एक एमएनसी है. सो द आंसर विल बी इनसाइड, सॉरी आउटसाइड. एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट इज आईटी इज यूज्ड इन होम टू, आईटी को हम घर पे किस लिए यूज करते हैं, for playing the games, for surfing the web, for doing the sending the emails or all of the above. So ghar pe hum in teenon mein se koi bhi kaam kar sakte hain. So our answer will be all of the above. Next question is a PC should have dash to play CD. Ek computer ke andar kya hona chahiye jiski help se compact disc jo hoti hai usko run kiya ja sake, play kiya ja sake. CD ROM drive, sound card, speakers or all of the above. तो मेन प्ले करने के लिए सीडी के लिए हमें चाहिए सीडी रोम ड्राइव, ठीक है. साउंड कार्ड साउंड को इनेबल करने के लिए होता है, स्पीकर साउंड को सुनने के लिए होता है, लेकिन सीडी को प्ले करने के लिए मेन जो चाहिए दैट इज सीडी रोम ड्राइव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. एग्जांपल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज और आर वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और ऑल ऑफ द अबव. ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हमारे कौन से होते हैं, जिनके अंदर कुछ मेमोरी और टाइम के कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि आप उसमें कोई टाइमर लगाते हैं और अपने आप वो उस टाइम तक चलता है और अपने आप फिर बंद हो जाते हैं. तो आपने वॉशिंग मशीन में भी देखा होगा, ड्रायर में ये चीज़ होती है, ऐसे ही वॉश करने में भी ये चीज़ होती है, आप टाइमर लगा देते हैं, एक टाइमर जब ख़त्म हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है. ऐसे ही माइक्रोवेव में होता है, ऐसे ही रेफ्रिजरेटर में होता है. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन स्टोर डैश इन आर कंप्यूटर. हम अपने कंप्यूटर में क्या स्टोर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्स, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स और ऑल ऑफ द अबव. तो कहीं पे किसी से हमें अपॉइंटमेंट लेके हमने टाइम सेट किया हुआ है वो भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट भी सेव कर सकते हैं और फाइल्स भी सेव कर सकते हैं. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार कोड ऑन अ बुक मेक्स इट ईजियर फॉर द लाइब्रेरी डैश टू कीप अ ट्रैक ऑफ द बुक्स, टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक बुक, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव.
आपने देखा होगा कभी आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बुक के बैक साइड में या प्रोडक्ट्स के बैक साइड में ब्लैक कलर की थिन और थिक लाइंस होती हैं, तो उसे हम कहते हैं बार कोड। लाइब्रेरी में वो कैसे हेल्पफुल होता है? क्या हम उससे बुक के बारे में ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी बुक कहाँ पे है? कोई स्पेसिफिक बुक अगर हमें चेक करना है अवेलेबल है या नहीं वो भी हम चेक कर सकते हैं, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो आप दोनों काम कर सकते हैं बार कोड की हेल्प से, सो द आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफेक्टिवली। कंप्यूटर की हेल्प से हम ऑफिस का वर्क अच्छे से कर पाते हैं, ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज़ वेरी मच राइट, सो द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट इज, ई लर्निंग एंड स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस आर शोइंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन डैश। ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जैसे PDF वगैरह से कोरोना के टाइम पे बच्चों को पढ़ाया गया, दैट इज ई लर्निंग। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस आपकी होगी डिजिटल बोर्ड पे, जब आपको कोई चीज़ समझाई जाती है तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो इनमें से किस एरिया में यूज़ हो रही है? लाइब्रेरी, ऑफिस, क्लासरूम या नन ऑफ द अबव? ऑफ कोर्स जहाँ लर्निंग की बात हो रही है और स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे हमारा क्या आ गया? क्लासरूम आ गया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, LMS स्टैंड्स फॉर लर्निंग मोस्टली इन स्कूल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम और नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, LMS की हमारी फुल फॉर्म होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा बेसिकली जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमने इंटीग्रेट की है स्कूल्स के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं जिन जो किसके अंडर आते हैं? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज, IT इज़ यूज इन, IT को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? एजुकेशन, लाइब्रेरी, एंटरटेनमेंट और ऑल ऑफ द अबव। सो IT को सभी प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, एजुकेशन में भी, लाइब्रेरी में भी, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी। जैसे आप देख रहे हैं कोविड के टाइम पे थिएटर्स जो थे देवर क्लोज्ड, सो उस टाइम पे हमारे पास वेब सीरीज आई, वेबिनार्स आए, सो सभी प्लेसेस में यूज़ किया जा रहा है। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर्स आर यूज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? बजटिंग एंड सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग, मेंटेनिंग स्टॉक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो बिजनेस के अंदर बजट और सेल्स को एनालाइज करना पड़ता है, ऑफ कोर्स इट इज़ यूज इन दैट एरिया। फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है उसमें भी यूज़ होता है। स्टॉक्स, कितना स्टॉक आपको किसी भी प्रोडक्ट का चाहिए, कितना रिमेनिंग है, वो सब मेंटेन करने के लिए। तो तीनों ही एरियाज में चाहिए, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपनिंग थ्रू इंटरनेट, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो इंटरनेट के थ्रू होती है उसे हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई ट्रांजेक्शन और नन ऑफ द अबव। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट, उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं ई कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 26, पिन इन रेफरेंस टू द क्रेडिट कार्ड। जैसे आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पिन होते हैं, उसमें पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल इनकम नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और नन ऑफ द अबव। सो हेयर द आंसर इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 1 मार्क की जो फुल फॉर्म है ये आपके MCQ की फॉर्म में आ सकती हैं, तो जितने भी इस चैप्टर से आपकी एब्रीवेशंस बनती हैं इनको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें, दे आर वेरी इजी टू गेन 1 मार्क आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 27, स्मार्ट कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स हैव अ मेटेलिक स्ट्रिप विच स्टोर यूजर्स डैश। जो हमारे स्मार्ट कार्ड होते हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिट कार्ड हैं या डेबिट कार्ड हैं, इनके ऊपर एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है, इस पे यूजर की क्या चीज़ स्टोर होती है? पिन, अकाउंट नंबर, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रिप के ऊपर पिन भी स्टोर होता है और आपका अकाउंट नंबर भी स्टोर होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव। ऑफकोर्स MCQ में हमेशा आपका 4 में से 1 ही आंसर करेक्ट होगा, सो द आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एप्लीकेशंस आर यूज फॉर ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड फॉर सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिज़ाइन। कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ड्रॉ करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, सिमुलेट और डिज़ाइन को टेस्ट करने के लिए, सिमुलेट का मतलब उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए, उसका एक आप कह सकते हो एक कॉपी बनाने के लिए, उसको फाइनल टच देने से पहले, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है वो आपकी क्या होती है? CAD, CAM, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो CAD आपका हो गया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर की हेल्प से जो डिज़ाइनिंग होती है उसे CAD कहा जाता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आपका CAM हो जाता है, तो बेसिकली डिज़ाइनिंग की बात हो रही है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? CAD, कंप्यूटर एडेड
designing. Next question is the full form. CAD stands for computer aided designing, calculate aided design, computer aided design, or none of the above. So the answer is computer aided designing. Okay. Next question is computers are used for. Computers ko hum kis liye use karte hain? Storing large amount of data, performing complex calculations, for visualizing 3D objects, or all of the above. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कंप्यूटर्स में स्टोर किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी परफॉर्म की जा सकती हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी काम आता है, तो इन तीनों के लिए काम आता है. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? NEFT, RTGS, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव. तो मनी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट हमारे पास दोनों टेक्निक्स होती हैं, NEFT और RTGS. NEFT इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड RTGS इज रियल टाइम समथिंग लाइक दैट. लेट अस चेक इट. RTGS बेसिकली होता क्या है? सो NEFT में हम फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, RTGS में आपके कुछ टाइम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप फंड को ट्रांसफ़र कर पाते हैं. बट जब भी आपको फंड को ट्रांसफ़र करना है तो आप दोनों से ही कर सकते हैं, NEFT से भी कर सकते हैं और आप RTGS से भी कर सकते हैं. RTGS इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. इट इज़ गिवन हियर. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस सेटलमेंट ऑफ फंड विच अकर्स इंडिविजुअली ऑन एन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस. ठीक है, तो एक ऑर्डर होता है इसका जिसके थ्रू फंड को ट्रांसफर किया जाता है. सो दिस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज ATM इन बैंकिंग. ATM की जब हम बैंकिंग में बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन और ऑटोमेटेड टेलर मनी और नन ऑफ द अबव. तो ATM तो हम सब यूज करते हैं, तो ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स. नेक्स्ट इज बैंक कस्टमर्स यूज ATM फॉर. बैंक कस्टमर्स जो हैं वो ATM को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, व्यू करंट बैलेंस और ऑल ऑफ द अबव. तो ATM के थ्रू हम विड्रॉ भी करा सकते हैं, डिपॉजिट कराना चाहें आजकल कुछ ATMs में ये भी सिस्टम है, करंट बैलेंस व्यू करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्पिटल यूजेस कंप्यूटराइज्ड मशीन्स टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, रिकॉर्ड हार्ट एक्टिविटी, बोथ ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव. हॉस्पिटल में आजकल बहुत कंप्यूटराइज्ड मशीन्स लग गई हैं, तो उनसे आप क्या कर पाते हैं? ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाते हैं, हार्ट एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाते हैं, बोथ और नॉन? तो दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं. सो द आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन गिव्स 3D इमेजेस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऐसी कौन सी मशीन है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की 3D इमेजेस दिखाती है? कैट, MRI, ECG और नन ऑफ द अबव. कैट होती है कंप्यूटेड एक्सियल टोपोग्राफी, MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज और ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो जब 3D इमेजेस की बात होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की, उसके लिए हमारी होती है स्टूडेंट्स कैट. ठीक है, ये एक तरह का आपका स्कैन के जैसा होता है. नेक्स्ट आपका होता है MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रिजल्ट इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेट रिजल्ट इमेज और नन ऑफ द अबव. तो MRI की हमारी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू आपके इंटरनल ऑर्गन्स का डिजिटल इम्प्रेशन लिया जाता है, उसके लिए हम MRI का यूज़ करते हैं. द फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. यहाँ पे देखिए, ये आपका MRI है, ये आपका जैसे पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द MRI. Yes, this is the way the full body goes into this machine and जो भी आपके internal organs होते हैं उनको देखा जाता है. ठीक है, so here is question number 37. Which of the following machine gives the digital impression of the internal organs of the body by using the strong magnetic field? यही हमने अभी discuss किया. तो ये हमारा क्या है? MRI, magnetic resonance imaging. This is the machine, right? नेक्स्ट वन, ECG स्टैंड्स फॉर. ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और नन ऑफ द अबव. तो ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और ECG हमारा बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? हार्ट बीट से रिलेटेड होता है.
ECG. Next question is, which of the following machine is used to monitor the heartbeat? So heartbeat के लिए हमारा कौन सा होता है students? ECG. Options हैं EEG, MRI, ECG. तो EEG आपका होता है electroencephalography, जो कि ब्रेन की एक्टिविटीज के लिए होता है. MRI हमारे बॉडी के डिजिटल इंप्रेशंस के लिए हो गया, और ECG आपके हार्टबीट के रेट को मॉनिटर करने के लिए हो गया. तो ये आपका ECG होता है, जैसे आपने कभी देखा भी होगा ECG की जो रिपोर्ट आती है वो इस तरह से पेपर के ऊपर आती है. तो दिस इज बेसिकली ये ECG है जो हमारा प्रिंट होके आता है. ठीक है, तो हार्टबीट को मॉनिटर करने के लिए हमारा हो गया ECG. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन? ब्रेन की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए विच मशीन इज यूज? ECG, EEG, MRI और CAT. तो अभी हमने पढ़ा ब्रेन की एक्टिविटीज के लिए हमें कौन सा यूज करना है, EEG. दिस इज बेसिकली द मशीन विच इज यूज फॉर द टू सी द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन. यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे क्लिप्स हैं, ब्रेन से अटैच हैं, तो इसे हम बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी. राइट, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया? एनसाइक्लोपीडिया की बहुत सारी बुक्स होती हैं लाइब्रेरीज में, लेकिन ऑनलाइन आपको वो चीज़ देखनी हो तो वो उसे हम क्या कहते हैं, बिंग, स्लैश डॉट, क्रोम और विकिपीडिया. बिंग तो आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, क्रोम आपका अगेन वेब ब्राउजर है. तो ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया आपका होता है विकिपीडिया. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ प्रोडक्ट दैट इज यूज फॉर रीडिंग ई बुक्स. इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को रीड करने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है इनमें से? Amazon Kindle, Yahoo Mail, Yahoo Messenger और Gmail. तो ये सारे तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, मैसेंजर चैट करने के लिए हो गया. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है Amazon Kindle. Kindle भी बोलते हैं नॉर्मली हम इसको. ठीक है, नेक्स्ट इज, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ. ऑटोमेटेड टेलर मशीन अभी हमने पढ़ा ATM, और ATM कौन से एरिया में यूज होते हैं? इंश्योरेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन. तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया किसमें? ऑफ कोर्स बैंकिंग में. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन. जो भी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के साथ डील करती है वो इनमें से किसके अंडर आती है? IT, MRI और नन ऑफ दीज. MRI अभी हमने पढ़ा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, इमेज बॉडी के डिजिटल इंप्रेशंस को लेने के लिए. तो यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन को डील करने की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स हमारा आंसर क्या होगा? IT. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट डैश एंड आउटपुट. वेरी इजी क्वेश्चन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ऑप्शंस आर मेमोरी, प्रोसेसिंग, नन ऑफ दीज. सो क्या ऑप्शन हुआ हमारा करेक्ट? प्रोसेसिंग. क्वेश्चन नंबर 46, डैश ऑर्गेनाइजेशन कैटर द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करती हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट्स को सर्व नहीं करती, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? GICs, MNCs और ISPs. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा GICs. इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स. MNC होगी मल्टीनेशनल कंपनीज, वो तो लेती हैं. ISP आपके हो गए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वोडाफोन, जियो, ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है GIC, दैट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूज ऑफ कंप्यूटर एट होम. कंप्यूटर का घर पे इनमें से क्या यूज होता है? वॉचिंग मूवीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज और नन ऑफ दीज. तो घर पे हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? मूवीज देखने के लिए. सो द आंसर इज वॉचिंग मूवीज. नेक्स्ट इज, ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन और नन ऑफ दीज. अभी ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. ATM की हमारी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द BPM. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट अगर हम यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से क्या होता है? एरर्स कम होते हैं, टाइम वेस्टेज होती है, या नन ऑफ दीज. तो BPM में क्या हो गया? बिजनेस के पर्टिकुलर प्रोसेस को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है. तो अच्छे से मैनेज करेंगे तो ऑफकोर्स एरर्स कम होंगे. यस, टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा, टाइम कम वेस्ट होगा, या हम कह सकते हैं टाइम वेस्टेज अवॉइड हो जाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लेस एरर्स. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर्स? टैब्स, मोबाइल फोन्स और माउस. तो टैब्स टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर से छोटे होते हैं,
मोबाइल फोन्स हैं और माउस है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो सारा काम है वो आज हम फोन में कर सकते हैं, और माउस जो है वो कंप्यूटर का एक पार्ट है। तो स्मॉल कंप्यूटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपके हो गए मोबाइल फोन्स, जो काम आप गेम्स खेल सकते हैं, आप मूवीज देख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो स्मॉल कंप्यूटर्स हम कह सकते हैं हमारे क्या हो गए, मोबाइल फोन्स। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ स्पीड ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो इनमें से किसकी हो सकती है, ह्यूमंस, कार्स और कंप्यूटर्स। ऑफ कोर्स ऑप्शन से ही हमें समझ में आ रहा है कंप्यूटर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू गार्बेज इन द यूसेज, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये जो गार्बेज वर्ड है इस फ्रेज के अंदर, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यहाँ पे गार्बेज का क्या मतलब है, डस्ट, डिजीजेज या एरर इन इनपुट टू कंप्यूटर। अगर हम इसमें मतलब है एरर इन इनपुट टू कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट भी गलत देगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अभी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चेक कर सके कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो ठीक है या नहीं। बस वो ये देखता है कि आपने इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंग जो उसका बनता है आउटपुट आना वो आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे गार्बेज का क्या मतलब हुआ, डस्ट और डिजीज ना होके एरर इन इनपुट टू कंप्यूटर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल पासवर्ड्स फॉर द सिंगल अकाउंट और रिसिप्ट ऑफ ओटीपी ऑन द मोबाइल हैज़ प्लान्स टू सिक्योर द। जब सिंगल अकाउंट के लिए बहुत सारे पासवर्ड्स आपको रखने के लिए बोला जाता है या ओटीपी आता है आपके फ़ोन पे, उससे बेसिकली क्या चीज़ सिक्योर होती है, आपका जीमेल का इनबॉक्स, याहू का इनबॉक्स या बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ऑफकोर्स जो ओटीपीज होते हैं वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि कोई और पर्सन अब वो ट्रांजेक्शन ना कर पा रहा हो, आपके फ़ोन पर उसका ओटीपी आए, ठीक है। तो आंसर विल बी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू एंटरटेन हाउ आर वेरियस आर्टिफिशियल इफेक्ट्स एडेड टू अ मूवी। एंटरटेन करने के लिए मूवी के अंदर आर्टिफिशियल इफेक्ट्स को कैसे ऐड किया जाता है, वीडियो इफेक्ट सॉफ्टवेयर से, बाय कॉजिंग रेन एंड थंडर या नन ऑफ दीज। सो मूवी के अंदर ये करने के लिए वीडियो इफेक्ट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, सो द करेक्ट आंसर विल बी यूजिंग वीडियो इफेक्ट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज वॉट डज एम इन बी पी एम स्टैंड फॉर। अभी हमने ऊपर बी पी एम की फुल फॉर्म करी थी, द ऑप्शन आर मैनेजर, मैनेजमेंट और मेजरमेंट। सो बी पी एम इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, सो द करेक्ट आंसर विल बी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज बी पी ओ इज अ रीजन फॉर सम सोर्स ऑफ जी डी पी फॉर कंट्रीज लाइक। बी पी ओ जहाँ पे काम को आउटसोर्स किया जा रहा है वो कुछ कंट्रीज़ की जी डी पी का जो सोर्स है वो एक सोर्स है किसी कुछ कंट्रीज़ की जी डी पी के लिए, लाइक इंडिया, फिलिपींस या बोथ ऑफ दीज। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड हो रहा है, तो इसके लिए आपका जो आंसर है वो रहेगा आपका बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कंट्रीज, देर आर सम कंट्रीज दैट आउटसोर्स देयर वर्क टू द सम देयर वर्क टू सम एशियन कंट्रीज। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने काम को एशियन कंट्रीज को आउटसोर्स कर रही हैं, यूएसए, पाकिस्तान और इंडिया। सो हेयर द आंसर विल बी यूएसए, बिकॉज यूएसए का बहुत सारा ऐसा वर्क है जो इंडिया को आउटसोर्स किया जाता है, एंड इंडिया इज एन एशियन कंट्री, सो द करेक्ट आंसर विल बी यूएसए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स इज द फास्टेस्ट, लॉन मोअर। इनमें से कौन सी मशीन आपकी फास्टेस्ट है, लॉन मोअर क्या होगा जिससे लॉन के अंदर आप कटिंग करते हैं, सिंपल पेंडुलम जो आपने क्लॉक्स में देखा होगा, और कंप्यूटर। तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट मशीन आउट ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट दैट कंप्यूटर इज एक्यूरेट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कंप्यूटर गिव्स करेक्ट आउटपुट फॉर अ करेक्ट इनपुट ओनली, कंप्यूटर कैन कैलकुलेट इन्फिनिटली, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स, सो अगर आप सही इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट भी ठीक देगा, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द कंप्यूटर टू स्टॉप इट्स वर्किंग। इनमें से किस वजह से कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो स्टॉप हो सकती है, सिस्टम फेलियर, पावर इश्यूज और बोथ ऑफ दीज। तो सिस्टम फेल हो जाए तब भी स्टॉप कर सकता है, पावर इश्यूज हो जाए तब भी हो सकता है, और बोथ ऑफ दीज दोनों ही हो सकते हैं, सो द आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कैरिड आउट विद अटमोस्ट सिक्योरिटी। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ कैरी आउट की जाती है, बैंकिंग एक्टिविटीज, मैसेजिंग ऐप्स और ब्लॉगिंग ऐप्स। तो जिसमें सिक्योरिटी की बात आती है तो वो हमारी हो जाती है बैंकिंग एक्टिविटीज, नॉर्मल मैसेज तो हम वैसे ही कर देते हैं,
ब्लॉक्स भी हम नॉर्मली बना लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ अ सर्विस सेंटर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू द कस्टमर. कस्टमर को इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट देने के लिए जो सर्विस सेंटर्स होते हैं वो इनमें से क्या होते हैं, BPM, MNC, ISP और कॉल सेंटर. तो BPM तो हमने पढ़ा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. MNC आपकी होगी मल्टीनेशनल कंपनीज. ISP आपके हो गए स्टूडेंट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. तो जहाँ कस्टमर के सपोर्ट की बात आती है वो होते हैं आपके कॉल सेंटर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट डज WBT स्टैंड फॉर. वेब बेस्ड ट्रेनिंग, वेबसाइट बेस्ड ट्रेनिंग, वेब पेज बेस्ड ट्रेनिंग और नन ऑफ दीज. तो WBT की फुल फॉर्म होती है वेब बेस्ड ट्रेनिंग. जो इंटरनेट के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज नोन एज WBT. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विपमेंट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस. इनमें से कौन सा हमारा ऐसा इक्विपमेंट है जो किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज नहीं होता. बीम्स, स्पाइगमो मैनोमीटर और EEG. तो अभी हमने EEG तो पढ़ा था, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम, जो कि ब्रेन की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए होता है. और जो हमारा स्पाइगमो मैनोमीटर होता है स्टूडेंट्स वो किसके लिए होता है, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए. ठीक है, और बीम जो है वो एक UPI पेमेंट की. तो ये जो है किसी डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं होता. दिस विल बी आर करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 66 इज, डैश इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ रिजल्टेड इन प्रोवाइडिंग मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन. गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव ने जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं मोस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की हैं. स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, लिटरेट इंडिया और ऑनलाइन इंडिया. तो ऑफकोर्स आंसर विल बी डिजिटल इंडिया. बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जहाँ पे कोई भी बिल की पेमेंट है या कोई भी आपको प्रोडक्ट जो है वो डिजिटली कहीं बाहर उसके बारे में आपको बताना है. तो फॉर दैट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिजिटल इंडिया. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कम्प्लीटेड द MCQs ऑफ दिस चैप्टर IT एंड ITS इंडस्ट्री. आई होप द MCQs आर क्लियर टू यू. कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स बिकॉज दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू सी दीज MCQs आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो इनको अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है दैट गेट्स कवर्ड. Thank you students, have a good day. I'll meet you in my next video.